नमस्कार, आदाब। ये बेवली शहर का दीवान शाह इलाके का आदमी नगर क्षेत्र है और मेरे ठीक पीछे ये एक घर है। बेवली शहर में 1984 में जब दंगा हुआ था उस दौर का ये क्षेत्र बताया गया था और आज ये गिर गया। बड़ी बात ये है कि इस घर में जो रहने वाले लोग थे उसमें ना कोई घायल हुआ ना किसी की मौत हुई, मगर घर जिनके ऊपर गिरा वो लोग घायल हुए और उसमें से एक रद्दाक नामक व्यक्ति की मौत भी हो गई। मगर बड़ी बात यह है कि आज भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका कचरे में पाउडर मार रही है क्योंकि गृह निर्माण मंत्री भिवंडी शहर आने वाले हैं। तो ऐसे वक्त में इसका गिर जाना कुछ अलग ही एक मैसेज भिवंडी शहर से गृह निर्माण मंत्री के कार्यालय को जाएगा। मैं खान फखरे आलम। भिवंडी शहर के दीवान शाह क्षेत्र के आदमी नगर में ये वही इमारत है जिसके गिर जाने की वजह से एक की मौत और कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। आज हे जी घटना घडली, अजमेर नगर टिपू सुलतानच्या मागे एक जुनं साधारण वीस एक वर्षापूर्वीचं घर होतं। त्या घराची साईज आहे 10x10 आणि ग्राउंड प्लस 1 होती। 20 वर्षापूर्वीचं ते बांधकाम होतं आणि ते आज कोसळलं। त्यामध्ये 2 महिला जखमी झाल्या, त्यापैकी एक महिलेला पाय फ्रॅक्चर असल्यामुळे ठाण्याला हलवण्यात आली। काही आयजीएममध्ये 2 मुलं इंजुर्ड झालेली, त्यांना जखमी झालेले त्यांचा उपचार करून त्यांचं डिस्चार्ज झालं आणि एक रज्जाक नामक 40 वर्षाचा माणूस होता तो या घटनेमध्ये मृत पावलेला आहे। नाही, जो मृत पावला तो येणारा जाणारा होता, इथला स्थानिक नव्हता तो, त्यामुळे उशिरा नाव कळलं त्याचं। पण जे जखमी आहेत ते इथलेच आहेत, राहणारे, आणि त्यांच्यावर उपचार आयजीएममध्ये चालू आहे। नाही, तशी धोकादायक इमारत नव्हती ती, परंतु आता एवढ्या वर्षाचं बांधकाम असल्यामुळे त्याचे क्वालिटी वगैरे याच्यावर सगळं अवलंबून असतं। पावसाळ्याचेही दिवस आहेत आणि दुसरी गोष्ट अशी की आपली सगळ्यांची हे असते की माणसांपेक्षा इथे सामान जास्त दिसतो, त्यामुळे सामानाचा ओझा जो आहे तो जास्त दिसला। अद्यापपर्यंत ते सामान खाली करतायत, त्यामुळे आम्हाला अजून मदत कार्य करता येत नाही, परंतु ते आम्ही संपूर्ण निष्कासन करणार आहेत महानगरपालिकेकडे। नाही, या घरात राहणारे लोक सुरक्षित आहेत आणि आयुक्त सुधाकर देशमुख साहेब यांनी आदेश दिलेत की ते घर संपूर्ण निष्कासन करा। या ठिकाणी आमचे ॲडिशनल कमिशनर, त्यानंतर उपायुक्त झिंझाड साहेब आणि पुजारी साहेब हे सर्वांची स्थळपाणी झाली इथे आणि तसे आम्हाला निर्देश देऊन गेलेले। अभी पुराना मकान था, दंगल ग्रस्त एरिया है, 84 का मकान है वो बना हुआ और आगे का छज्जा गिरा उसके ऊपर। तो यहाँ पे ना वो लगता है, क्या बोलते, मार्केट लगती है। तो जो लोग भी मार्केट गए थे, 2-3 लेडीज लोग जख्मी हुए हैं। एक अब्दुल रजाक नाम का एक व्यक्ति है, वो एक्सपायर हो चुका है, आईजीएम में उसकी बॉडी लेके गए। और 2 लेडीज लोगों का, एक का पैर टूटा हुआ है, उसको वहाँ भेजे, क्या बोलते हैं, थाना सिविल में। और एक को वहाँ पे ग्लूकोज चढ़ रहा है। 2 छोटे बच्चों को मार लगी थी पैर में, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। आज मंत्री जी भी आ रहे हैं भिवंडी शहर में, 3 का टाइम है उनका आने का। गृह निर्माण मंत्री है, ले आएंगे उनको भी दिखाने के लिए। हाँ, क्या कहेंगे आज कहीं जो हादसा हुआ है? आज जो ये हादसा हुआ है ये बहुत ही दुखद हादसा है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है और कुछ 3 या 4 लेडीज़ घायल हैं। एक लेडीज़ का पैर टूट गया है। और ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा तो देखो, हादसे का कोई वो नहीं होता कि कभी कभी भी हो सकता है हादसा, और आगे ना हो करके इसके लिए हम सबको, यहाँ रहने वाले सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि भाई हमारे लिए ये खतरा है, ये धोखादायक है,
तो इसको हादसा होने से पहले ही कुछ ना कुछ उसके ऊपर रोक लगा देवे तो ज़्यादा बेहतर है, आगे से ये हादसा ना हो। हम सब लोग को मिल के देखना चाहिए और सोचना चाहिए और उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए जिसके लिए हादसा ना हो ऐसा। ये आपने दरगाह रोड आजमी नगर में ये घर पड़ता है, घर नंबर 39/G/19 और ग्राउंड प्लस 1 था, लोड बेरिंग इसके ऊपर सीमेंट पत्रे थे। सुबह में 9 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। दो घायल हुए, दो लेडीज है, एक जेंट्स है, जेंट्स का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई है। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार।